ऐसा घूम के भी अमन आया इधर। क्या हुआ ना, इसका लैपटॉप था, इसने नया लिया था, उसमें से कुछ प्रॉब्लम आ गया चार्जिंग का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसका सर रिपेयरिंग करवाने को। तो अभी सर्विस सेंटर जाने का, ये एड्रेस निकाले हम लोग, कैसे जाने का है मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है। तो क्या हुआ ना, मैं बता रहा था आपको, इसका ना अचानक से ये लैपटॉप में चार्जिंग का इशू आ गया, पूरा चार्ज उठा नहीं रहा था। तो वही बोला कि चल अपन जाके आते नौपाड़ा में, किधर तो है सर्विस सेंटर, उधर जाके पहले चेक करके आते कि इशू क्या है, क्योंकि अभी वारंटी में है ना, अगर वारंटी के बाहर जाएगा तो इसको चार्ज लगेगा। ये देखो ये एड्रेस, चलता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको किधर, अगर आप लोग को भी किसको जाना रहेगा तो आप जा सकते हो, एड्रेस बता दूंगा मैं आपको। बता था ना इसके बैटरी में ये प्रॉब्लम हुआ है, वही चेक कर रहे हैं। 60 के ऊपर नहीं आ रहा है ना, इसमें दिखा रहे हैं अंकल 2 साल का वारंटी है, इसमें तो वारंटी 2 साल का दिखा रहा था, बट मेरे पास जो हार्ड कॉपी है उसमें तो 1 साल का दिया है। इसके लैपटॉप में ना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, हम लोग को लगा कि कुछ इशू आ रहेगा बैटरी में, बैटरी का कुछ इशू नहीं था, वो था बस इसका, इसने बैटरी ऑप्टिमाइजेशन चालू करते ना, फ़ोन में भी रहता है लैपटॉप में भी था, तो गलती से शायद चालू हो गया रहेगा, जिससे 50-60 के ऊपर जा ही नहीं रहा था। तो अभी तक आके उन्होंने बंद किया, ऑफ किया, इतना ही था, हम लोग को लगा कोई इशू आ रहेगा, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, सही सर, इधर है बैग, बैग नीचे गिर गया। एक काम हो गया, अभी घर पे आते और मुझे आपको कुछ बताना भी है, मैं थोड़े टाइम में बताऊंगा ब्लॉग में आके, कि मैं आते रात को ही किधर निकल रहा हूँ ट्रिप के लिए, वो किधर मैं आपको। अरे बाद में कर लेते, हम लोग निकल रहे घर पे, इसका यही काम था, वो करने आए थे, फिर अभी जा रहा हूँ और मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ, हम लोग रात को निकलने वाले, किधर जा रहे हैं मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊँगा ब्लॉग में, टेंशन मत लो। एक इसका ये इशू सॉल्व हो गया, अभी निकल रहे, बता रहा हूँ मैं आपको आगे। हम लोग का ना काम हो गया, थोड़ा सोचे तालाब पाली जाते, थोड़ा देख लेंगे, घूम लेंगे थोड़ा कुछ, अगर ऐसे ही देखते हैं अभी, बस ऐसे तालाब पाली आए, दिखाता हूँ मैं आपको कि किधर जा रहे हैं, इधर ही तालाब पाली है और ज़्यादा कुछ जा नहीं रहे, और आपका भी आवाज़ थोड़ा शायद बाहर का भी ज़्यादा आ रहा रहेगा, क्योंकि गाड़ी पर ऐसा ब्लॉक कर रहा हूँ ना, होएगा होएगा। यही सब है, उसको देखते नहीं, ऐसे बस घूम रहे हम लोग, ऐसा कुछ है नहीं, फिर घर पे जाएंगे। अभी यहीं उतरे छाव देख के, इधर पार्किंग गाड़ी में कुछ होएगा नहीं ना, होएगा ना, तो फिर आगे किधर चलने का, फिर इधर भी जाएगा। अभी तो धूप भी है रे, क्या करेंगे, पर कुछ है भी नहीं, तलाव कंडाला आ रहे, वैसे जब मैं देखो बोला ऊपर ऊपर चलते वो टाइम हो गया है। हाँ तो गाइस इधर तो कुछ है नहीं, तालाब पाली में कंटाला है, क्या धूप भी, मैं बोला इसको ओपन चलते, अच्छा सीनरी भी दिखेगा और अच्छे अच्छे कपल्स भी दिखेगा। तेरे गाड़ी में जो ओपन है वरते ना, नहीं उधर कैसा, उधर ना पीस है, उधर ब्यूटी उधर खूबसूरती है भाई, समझ रहे ना, बैठ रहे ना मैं, अरे रुक रहे लौड़े रुक रहा। एक दिन ये ऐसे क्या किया पता है क्या, हम लोग भाजी लेने गए थे मतलब इसके साथ, और ना मैं लेके मतलब एक मिनट के लिए उतरा कुछ काम के लिए, फिर इसको बोला चल आगे चल, ये भाई लेके निकल गया, इसको पता भी नहीं मैं पीछे बैठा है, नहीं बैठा हूँ कि बैठा हूँ, फिर बाद में पूछता है ऐसा देख के कि किधर जाना है, देखा तो मैं पीछे नहीं था तो वापस आया, तो ये ऐसा ही है। पर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्या बोल, अब जा रहे अब ऊपर जा रहे, रुकना लग, पता नहीं इधर का काम कब ख़त्म करेंगे, पूरा एरिया ही खोद के रख दिया हम लोग का, काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है।
पैसेंजर ऊपर पहुँचने वाले हैं, तो एक्चुअली पहुँच गए अभी, तो क्या ही वो नहीं रहेगा इधर, बट ठीक है दिखाता हूँ आगे तो कुछ ना कुछ तो दिखेंगे। और ये है अपना प्यारा ओपन, आपको वो सामने दिख रहा है क्या? वो देखो जूम में नहीं कर सकता, पर वो साइड ना आपको ना दर्जन भर कपल्स मिलेंगे उधर, अभी शाम का तो छोड़ दो, दर्जन भर कपल्स, नहीं तो वो छपरी टिकटॉकर्स लोग मिलेंगे, रील स्टार ये लोग मिलेंगे जो वहाँ रील बनाते रहेंगे। मेरे जैसे? मेरे जैसे नहीं रहे, मैं तो ब्लॉग बनाता है। तो यही सब होता है इधर चूतागिरी पर, क्या करे, इतना अच्छा जगह का नाम खराब कर दिए। वो साइड चले गए ना, मैं सच बता रहा हूँ एक दिन जाओ, इतनी पब्लिक उधर वीडियो बनाते हुए मिलेगी ना, क्या बोलने का। यही है कुछ कहानी पांडे की जुबानी। ये देखो ये यहाँ ये होटल इधर इज द सब, मतलब अभी कैफे वीफे अपन बैठ के खा पी सकते सब, पर महंगा रहता थोड़ा क्योंकि सी साइड व्यू है ना। ये लोग क्या कर रहा है, किधर घुसा रहा है इसके अंदर, मैं बना ही रहा है, मैं मेरा काम कर ही रहा है। तू चला, तू ब्लॉग मत, तू लड़की विड़की मत देख उधर, पता है मेरे को क्या देख रहे है तू। हाँ यही सब है, चलो मैं आपको बस हो गया इतना ही ओपन, ज़्यादा कुछ नहीं है ओपन में, पहले क्या लगता था इधर आके, अब तो कुछ नहीं, अब आओगे तो बस छपरी लोग मिलेंगे इधर। यामन कुछ काम से गया है, बेचारे का एक काम है, वो जाके आएगा, उसका बैग मेरे पास ही है, आएगा दे दूंगा उसको। हाँ तो गाइस मैंने आपको बताया नहीं था ना, अभी हम लोग एक्चुअली जाने वाले शिरडी। यार एक गिर गया, मैंने आपको बताया नहीं था ना, अभी हम लोग जाने वाले शिरडी। मैं आपको सुबह से बोल रहा हूँ कि मैं अभी बताऊंगा ब्लॉग में कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे, एक्चुअली पूरे फैमिली के साथ जा रहे हैं, और उसका जो भी है मतलब वो नाइट रात का हम लोग का बस है आज का ही, तो वो सब जो भी है ना वो आपको नेक्स्ट इसके नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ये ब्लॉग में थोड़ा और एक दो चीज़ काम है, वो सब कम्प्लीट करके मैं ये ब्लॉग एंड कर दूँगा, और इसके आगे का जो भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अपडेट मिलेगा। और हम लोग ने भी केक लिया, ये नया केक शॉप ओपन हुआ है हम लोग के इधर, उधर से केक ले रहे, बाय वन गेट वन फ्री मेरे इधर ही है, आप लोग आ सकते हो। ये देखो ये नाम है, और ये कुछ शायद ये है प्रोडक्ट, क्या क्या देख लो। फाइनली अभी केक भी कटिंग करके आया हूँ, और ये ब्लॉग को मुझे यहीं एंड कर रहा हूँ एक्चुअली, अभी शिरडी जाने का एक डेढ़ घंटे में निकलने का है, तो मैं फिर ये ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, और आप कल का ब्लॉग ज़रूर देखना शिरडी वाला, मज़ा आएगा। और यही सब है आज का, यही ब्लॉग है, आपको फिर मैं एक और नए ब्लॉग में मिलता हूँ कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।